हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं अपराजिता की बेल के लिए बेहद खूबसूरत ट्रेलिस, जो कि देखने में तो खूबसूरत लगेगी ही, साथ ही साथ आपके प्लांट को बिल्कुल अरेंज करके रखेगी और जब ये फूलों से भर जाएगा तो गजब का लुक देगा। तो देखिए, मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ ये एक एल्यूमिनियम की रॉड थी, बेकार पड़ी थी वैसे ही, मुझे नहीं पता किस चीज़ की है। तो ये काफ़ी लचीली है, लेकिन अगर मैं इसे हाथ से मोड़ूंगी ना तो ये अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे हथौड़ी से पीट पीट के अच्छे से एक राउंड शेप दूं। तो देखिए, मैंने छोटी सी हथौड़ी ली है और मैं धीरे धीरे बिल्कुल इसको पास पास मार के एकदम थोड़ा सा लचीला और बना रही हूँ। और उसके बाद देखिए, ये बिल्कुल राउंड हो गई है। इन दोनों किनारों को अब हमें इस तरीके से पकड़ना है और बिल्कुल एक परफेक्ट सर्कल हमारे पास रेडी हो गया है। अगर आपके पास ये नहीं है, ऑब्वियसली ये नहीं होगा, आप इसकी जगह कोई लोहे का वायर यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई सर्कल पड़ा होगा आप उसे भी ले सकते हैं। अब मैंने लिए हैं ये बेकार कपड़े, जैसे हम कोई कपड़े वगैरह सिलते हैं तो थोड़े बहुत कपड़े बच जाते हैं, तो उन्हीं में से बचा हुआ एक कपड़ा है, उसके छोटे छोटे मैंने पीस बना लिए हैं। लंबाई में बड़े हैं लेकिन चौड़ाई में कम हैं, तो उनको मैं इसके अराउंड लपेट दूंगी अच्छे तरीके से। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई जूट की रस्सी या फिर जो नारियल की रस्सी आती है उसे लपेट के भी इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बन रही है पूरे ही थ्रेश से, कोई भी एक रुपये का भी खर्चा नहीं है इसमें, तो इसलिए मैंने फिर इस कपड़े को यूज़ करने का सोचा है। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी आपके ऊपर है कि आप क्या इसमें लगाना चाहते हैं। लेकिन ये वाला भी आइडिया बहुत अच्छा है और ब्यूटीफुल भी बहुत लगेगा। ये देखिए, इतना लगा दिया है मैंने, उसके बाद थोड़े छोटे छोटे पीसेज और बनाए हैं मैंने, और उसके बाद मैं इसको इसके अराउंड पूरा कवर कर दूंगी एंड तक। अब मैंने लिए हैं यहाँ पे जूट की रस्सी और मैं इसे दूर दूर लपेट दूंगी ताकि ये देखने में अच्छी लगे, क्योंकि अभी ट्रेलिस को कवर करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा प्लांट को, जब तक प्लांट इसे कवर नहीं कर लेता है तब तक ये अच्छी दिखे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर जूट की रस्सी को दूर दूर लपेट दिया है। और जो इसके कपड़े हैं ऊंचे नीचे हो रखे हैं, ये भी इससे कवर हो जाएंगे और फिर ये देखने में अच्छी लगेगी। इस तरीके से पास पास नहीं किया है, थोड़ा दूर दूर किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे करें, नहीं तो आप सिर्फ कपड़ा लपेट के भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए, पूरा राउंड मैंने इसको कर दिया है और बनने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है और रस्सी लगाने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आया है। अब मेरे पास है एक वाइपर की लकड़ी, उसको मैं इसके अंदर इस तरीके से बांध दूंगी। अब देखिए, बांधने के लिए भी मैंने इंटरनेट पर सर्च किया और मुझे एक बड़ी ही अच्छी सी वीडियो मिली जिसमें रस्सी को कैसे बांधना है कि आपकी रस्सी बड़ी मजबूती से बंधे इस पे, तो वही तरीका मैंने यूज़ किया है। बड़े धीरे से ध्यान से मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपको पसंद आए तो आप इस तरीके से बांधें, नहीं तो आप कोई भी नॉर्मल तरीका जिससे आप रस्सी बांधना चाहते हैं उसे भी आप बांध सकते हैं। तो देखिए, डबल की है मैंने जूट की रस्सी और उसको लूप बना के इस तरीके से निकाल लिया है। ये तरीका काफ़ी अच्छा लगा मुझे और जब इसे बांधने के बाद मैंने हिला के देखा तो मजबूत काफ़ी थी ये वाली नॉट, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ ये शेयर कर लेती हूँ। इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा टाइट से करना है, रस्सी को पीछे की तरफ ले जाना है और फिर घुमा के नीचे से निकालना है इस तरीके से। बस थोड़ा सा टाइट से करना है आपको और यही प्रोसेस आपको 2-3 बार करना है जब तक आपकी रस्सी में रस्सी पूरी ख़त्म ना हो जाए, बस गांठ बनाने लायक आपके पास रस्सी नीचे तक बचे। ये देखिए, मैंने वीडियो स्किप नहीं की है और ये वाला पोर्शन तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया है, क्योंकि फिर ये समझ में नहीं आता, क्योंकि गांठ बांधना मजबूती से इस पे भी, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है इस DIY के लिए। तो देखिए, ये हो गया है रेडी। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे भी हमें बांध देना है, इसी तरीके से बांधना है जैसे हमने नीचे वाली नॉट लगाई है, और बस इतना ही काम था, हमारी ब्यूटीफुल सी ट्रेलिस हो जाएगी रेडी। इस तरह की ट्रेलिस आप अपने मनी प्लांट के लिए बना सकते हैं या फिर जो भी कोई आपके क्लाइंबिंग वाले प्लांट्स हैं उनके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हो गया है इसका काम पूरा।
और वो प्लांट दिखाती हूँ मैं आपको जिसके लिए मैंने बनाई है ट्रेलिस। काफ़ी टाइम से मैं अपने इस प्लांट को बड़ा कर रही थी और जब मेरा प्लांट पूरा बड़ा हो गया तो मैंने सोचा चलिए इसके लिए ट्रेलिस बना लेते हैं। इसकी जो लताएँ हैं काफ़ी लंबी लंबी हो गई हैं और इसको मुझे इसके पीछे बिल्कुल लगा देना है इस ट्रेलिस को। और ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसकी जड़ें ख़राब ना हो, थोड़ा सा हटा के लगाना है, बिल्कुल प्लांट के साथ नहीं लगाना है। ये देखिए कुछ ही टाइम पहले मैंने इस प्लांट को लगाया था और ट्रांसफ़र किया था इस पॉट में, बड़े वाले पॉट में। जब आपका कोई छोटा प्लांट बढ़ाव ना ले रहा हो तो आप उसे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दें, थोड़े अच्छे पॉट में, बड़े में, क्योंकि उसको बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है बड़े पॉट की। अब इसकी जो भी बेलें उलझी हुई हैं सभी को मैं अलग अलग कर लूँगी क्योंकि मुझे कुछ बेलें इस तरफ चाहिए और कुछ बेलें चाहिए उस तरफ। देखिए मैंने सारे ही बेलों को अलग अलग कर लिया है, बिल्कुल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है मेरी इस वाली अपराजिता की बेल पर। अब मैंने धागा लिया है और हमें बस ये देखना है कि हमारी कौन सी बेल किस तरफ को झुकाव ले रही है। जहाँ जहाँ हमारी बेल जा रही है हमें उस तरफ करना है, बहुत ज़्यादा खींचतान इसके साथ नहीं करनी है क्योंकि ये वाली बेल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती जैसे कि हमारा जेड प्लांट होता है, उसे हम किसी भी तरीके से तोड़े मरोड़े वो टूटता नहीं है। लेकिन अगर आप इसके साथ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे ना तो फिर इसकी बेल थोड़ी सी टूट जाएगी, काफ़ी नाजुक सी होती है। तो देखिए जहाँ जहाँ पर बेलें जा रही हैं ना मैं उसी डायरेक्शन में इस प्लांट को जो है कर रही हूँ, आधी मैंने इस तरफ की है आधी उस तरफ करी है। यहाँ पे भी इसको बांध देते हैं, उसके बाद फिर एक एक बेल करके हम इस पर लपेटेंगे। ये देखिए सारी बेलें अलग अलग हो गई हैं, सभी को एक एक करके हमें लपेट देना है। जहाँ पे एंड आएगा वहाँ पे हमें धागे की हेल्प से इसको बांध देना है। बहुत तेज़ नहीं बांधना है क्योंकि हमारी बेल आगे बढ़ेगी तो उसे बढ़ने के लिए थोड़ी सी जगह भी चाहिए। अगर आप ज़्यादा तेज़ बांध देंगे तो फिर हमारी बेल वहीं से ख़राब हो जाएगी और एक दो दिन में ही फ्रेंड्स ये बेल अपने आप से इसके ऊपर चढ़ने लग जाएगी। इसके बाद आपको कोई भी धागा वगैरह बांधने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि एक क्लाइंबिंग वाइन है तो ये अपने आप ही पकड़ पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी। ये देखिए अब यहाँ पे भी हमें इसे बांध देना है। तो इधर का काम हो गया है पूरा और ये जो सेंटर वाली है इसे हम सेंटर वाले पोल पे लगा देंगे क्योंकि फिर ये वाला पोल खाली दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो तीन पोर्शन हमने बना लिए हैं इसके, एक गया है इस तरफ, एक उस तरफ और एक रह गया है सेंटर में। ये वाली बेल काफ़ी जल्दी से बढ़ती है और बहुत ही जल्दी फैलेगी और इस पर अच्छी अच्छी फ्लारिंग होगी। जब इस ये बेल पूरी ट्रेलिस को कवर करेगी और उसके बाद फ्लारिंग देगी तो बहुत खूबसूरत लुक देगी और अरेंज भी हो जाएगी, सुंदर भी लगेगी। मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से कह रहे थे इस बेल का कुछ करो, ये लटक रही है, तो फिर मैंने सोचा चलिए आज इसका काम हम कर ही देते हैं। तो दूसरी तरफ से भी मैंने इसको बांध दिया है, अभी पूरी तरीके से नहीं भरी है लेकिन आने वाले 15-20 दिनों में पूरे तरीके से ये भर जाएगी बेल और इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालेंगे तो फ्लारिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की ट्रेलिस अच्छी लगी तो आप भी ऐसी ही ट्रेलिस अपने प्लांट्स के लिए ज़रूर से बनाएं, चाहे मनी प्लांट के लिए बनाएं, चाहे आप पराजिता के लिए बनाएं या फिर जो भी आपकी बेल वाले पौधे हैं ऐसे ट्रेलिस पे लगे हुए काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। तो चलिए जल्दी से काम पूरा करके देखते हैं इसका फाइनल लुक, पहले कैसी लग रही थी और बाद में कैसी लग रही है हमारी ट्रेलिस। जो सूखी डंडियां हैं उनको कट कर देंगे हम। ये है इसका फाइनल लुक, देखिए कितनी ब्यूटीफुल लगी है, परफेक्ट सर्कल बना है, परफेक्ट हमारी वाइन लगी है इसके ऊपर और रेड कपड़े के ऊपर ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी गजब डा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको और भी वीडियोज़ देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।